हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैं निकल चुका हूँ, गाड़ी का कुछ काम है, काम कराने के लिए स्टिकरिंग वगैरह कराना है गाड़ी में। और फ्लेमिंगो पॉइंट पे जाते हैं, आज आपको दिखाता हूँ नवी मुंबई को, जो फ्लेमिंगो सिटी क्यों कहते हैं। तो चलिए निकलते हैं। आरो गया है गाँव और पंक्ति हो रही है बोर, तो पंक्ति को ऊपर वाले घर पे छोड़ रहा हूँ, थोड़ी देर वहां पे खेलेगी, फिर उसके बाद उसको लेके जाऊंगा। भाई भाई, गाड़ी तो इसने अच्छे से वॉश करके रखी है। बाय बाय। गाड़ी वॉश करके रख दी है, गाड़ी एकदम रेडी है। नवी भाई आता है फिर निकलते हैं। क्या गर्म हो रहा है यार गाड़ी में, 4 बजने को आए, बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है। विंडो करते नीचे, टेम्परेचर हो चुका है नॉर्मल, विंडो को करते ऊपर, फैन की स्पीड को कम करके एसी ऑन करते। गाड़ी हो चुकी है नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो अभी भाई आता है वैसे ही निकलते हैं। यहाँ पे पार्क कर दिया आपने, सामने ये सारी जो है ना, ये सारी शॉप है स्टिकरिंग के लिए, और गाड़ी का कुछ भी काम रहेगा उसके लिए। तो यार उधर तो काम बना नहीं, अभी ये दूसरे लोकेशन पे आए हैं, मैग्नम करके है, उसके आगे ही है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो ये है फाइनल लुक, इस तरह से ये बना है पीछे की साइड पे। और आगे की तरफ भी है, ये ऐसा बना है आगे की तरफ, तो जरा बताना कैसा लग रहा है। आगे का जो भी यहाँ पे जितने भी स्टिकर्स थे, यहाँ पे थे, वो सारा मैंने निकलवा दिया है, क्योंकि मैं जैसे आगे का जो शूट कर रहा था ना, तो प्रॉपर जो है ना व्यूइंग एंगल मिल नहीं रहा था। ये जगह है ना, बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे बहुत। मैंने जब भी गाड़ी लिया था ना, 5 साल हो चुके हैं, तो 5 साल से ये जगह खाली पड़ी थी, तो पता नहीं आज उसका यूज हो गया। तो कहते हैं ना, सारी चीजें कुछ ना कुछ चीजों के लिए बनी होती है। तो आप ऐसा सोचते हो कि ये कुछ ये चीज है, ये बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ी है, या आपके साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। सब कुछ पहले से ही डिसाइड होता है कि कौन सी चीज किस चीज के लिए बनी है। सोचना कम है और ज्यादा फोकस करना है आप जो भी चीज कर रहे हो उसके ऊपर, तो जो भी आपके लिए बना है वो आपको जरूर मिलेगा इतना एकदम। तो हम लोग आ चुके हैं फ्लेमिंगो पॉइंट के यहाँ पे, तो मैं आपको जरा दिखाता हूँ नजारा कैसा दिखता ही है। ये पूरा है ना फ्लेमिंगो पॉइंट बनाया है यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं फ्लेमिंगो देखने के लिए। ये ऊपर यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बनाया हुआ है, जहाँ से ऊपर से भी हम विजिट कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो मैं अभी आ चुका हूँ सेल्फी पॉइंट पे, ये आप देख सकते हो, सेल्फी पॉइंट, फ्लेमिंगो पॉइंट, सेल्फी पॉइंट बोलते हैं इसको। हम लोग थे वो वहाँ पे थे नीचे की साइड पे, और अभी आ चुके हैं ऊपर। तो ये सामने जो फ्लेमिंगो है, यहाँ पे सनसेट हो रहा है, दोनों जगह का व्यू एकदम मिल गया हमने को। ये आप देख सकते हो सनसेट हो रहा है, ये NRI कॉम्प्लेक्स और ये फ्लेमिंगो पॉइंट। तो जैसे जैसे ये शाम होती है ना, ये रोड पूरा पैक हो जाता है, सब लोग आते हैं यहाँ पे फ्लेमिंगो विजिट करने के लिए। तो ये साइड जो है, ये ऑपोजिट साइड जो है इसके, ये पाम बीच रोड है। उतरने के लिए ऐसे सीढ़ी है, बहुत डेंजरस है, संभाल के उतरना पड़ रहा है। खाना खाने के बाद वॉक पे आया हूँ मैं, घर पे आने के बाद डिनर रेडी था, तो फटाफट खाना खा लिया और वॉक पे आया हूँ। तो ये मेरे घर के यहाँ पे है ना, ये छोटा सा तालाब है, यहाँ पे है ना सब लोग मॉर्निंग को और इवनिंग को आते हैं वॉक पे, तो काफ़ी अच्छा है। सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है यहाँ पे, और ये यहाँ पे थोड़ा जिम जैसा बनाया हुआ है,
तो किसी को अगर एक्सरसाइज वगैरह करना है तो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा वॉक करके घर पे जा रहा हूँ और ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। काफ़ी छोटा ब्लॉग बनाया है आज। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।